पिटकोरिया पंचायत सचिवालय में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मियों को गैर हाजिर देख गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद भड़के। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में हर विभाग के अधिकारी उपस्थित होकर जन समस्याओं का तत्क्षण निराकरण कर रहे हैं, पर बिजली विभाग के कर्मी किसी शिविर में नहीं पहुंचे। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की गई है। कहा कि सीएम मामले को लेकर गंभीर है और बिजली विभाग पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। इधर कार्यक्रम के दौरान गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि गत 2 साल से जारी कोविड से किसी की मौत हुई है तो उसके परिजनों को 50,000 की राशि देने की व्यवस्था राज्य सरकार ने की है। कहा कि सभी सीओ को इस संबंध में पत्र निर्गत किया गया है। पीड़ित परिजनों को मदद दिलाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं से आगे आने की अपील की है। कहा कि आगे भी कार्यक्रम चलेगा ताकि जनता का कार्य आसानी से हो सके। इस पर मुख्यमंत्री विचार कर रहे हैं। मौके पर दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल स्टिच का भी वितरण किया गया। सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल ने कहा कि जन समस्या के निराकरण में केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। मौके पर वीडियो कयूम अंसारी, सीओ कृष्ण कुमार मरणी, प्रधान आशा देवी, अमरदास, बीपीओ सतीश कुमार, रूपी कुमारी, रजनीश कुमार, रोजगार सेवक आशुतोष कुमार, रामरतन राम, हसनैन आलम, मोहम्मद फखरुद्दीन, खुर्शीद अनवर हादी, मोहम्मद सनवास, एनामुल हक, मोहम्मद मिनसार, सहदेव ठाकुर, वाहिद खान, मुंशी दास समेत कई लोग मौके पर मौजूद थे। बताया जाता है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगातार बेंगाबाद में चल रहा है। बेंगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। बड़े देर से आप लोगों ने सबों का बात को सुन रहे हैं। बहुत से लोगों ने अपनी अपनी जो फरियादें थी उसको भी आप लोगों ने अपने रखा और यह कार्यक्रम 5 बजे तक चलेगा। और मैं एक बता देना चाहता हूँ कि 5 बजे के बाद या बंद नहीं बल्कि आपकी सुविधा के लिए सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया है जो कि आम पब्लिक प्रखंड और जिला तक दौरा लगाने के बाद दौड़ने के बाद आपकी फरियाद को सुनी जाती थी। इसके लिए आपके सुविधा के लिए झारखंड सरकार के आदेश के आधार पर आपके द्वार कार्यक्रम सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरकारी भिन्न भिन्न योजनाओं का लाभ आपके बीच में लेकर के सरकार के पदाधिकारी आए हैं। इसमें हमारे भारत सरकार और राज्य सरकार की बहुत ही कल्याणकारी अनेकों योजनाओं को आपके बीच में रखा गया है और ये योजनाएं आपको बिंदु बार अगर गिनाया जाए तो बहुत समय लगेगा और आप लोग भी देख चुके हैं, बहुत सी चीज जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और मैं बताना चाहता कि यहाँ के समाज सेवियों से, जनप्रतिनिधियों से, पदाधिकारियों से, कर्मचारियों से कि यहाँ के जनता की जो भी मूलभूत सुविधाएं की समस्या है उसको आप भली भांति समझें और समझाएं ताकि भारत सरकार एवं राज्य सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं आम जनों तक ये पहुंचे, इसका समुचित लाभ यहाँ के ग्रामीण ले सके, कोई लोग वंचित न रह जाए, कोई विवश और लाचार नहीं रह जाए। हम देखते हैं बड़ा ही हमें देख करके मन ही मन ग्लानी होती है, तकलीफ होती है। आज खुर्शीद जी से मैं चर्चा के विषय में कर रहा था कि यह विदेश भी में भी हम लोगों का लोग कुछ रहते हैं, रोजगार के लिए गए हैं, लेकिन वहाँ की जब समाचार सुनता हूँ तो पता चलता है कि वहाँ पेंशन के लिए, चावल के लिए, आवास के लिए लोग लाइन में वहाँ के ग्रामीण नहीं रहते हैं। वहाँ अगर कोई भी व्यक्ति अमेरिका, रूस, जापान में देखते हैं तो वहाँ 50 लाख की गाड़ी से गरीब है तो वो उससे कम की गाड़ी में नहीं घूमते हैं। किसी का कच्चा मकान नहीं, कोई गांव बिजली से, पानी से, शौचालय से या स्वास्थ्य से वंचित नहीं है। ये बहुत विडम्बना है, तकलीफ है कि मेरे राज्य और मेरे देश में आवाम लोग गरीब हैं, लाचार हैं, विवश हैं और इसकी गरीबी कैसे दूर हो, इस गरीबी से हमें लड़ना है। इसके लिए हम सबको मिलकर के लड़ना है और इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हमें जाति और पाति से ऊपर उठ करके, भेदभाव से ऊपर उठ करके, छुआछूत की भेदभाव से ऊपर उठ करके, हम भारत माता के सब संतान हैं, हमें एक भाई भाई दूसरे भाई को मानना पड़ेगा और दूसरे के साथ कंधे से अधिकार आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आज पिटकोरिया पंचायत भवन प्रांगण में आयोजन किया गया है और पूर्व अन्य कार्यक्रमों की तरह आज भी हम लोगों ने टीकाकरण पर खास फोकस किया हुआ था। यहाँ आए हुए करीब 1,000 से भी ज़्यादा लोग आए हुए थे जिनको बताया गया है कि टीका अवश्य करा और उन लोगों ने आज कम से कम 100 से ज़्यादा टीकाकरण लोगों ने लिया है।
दूसरा हम लोगों ने पेंशन को लेकर के बात कही है कि विधवा हो, विधवा हो, विकलांग हो, परित्यक्ता महिला है, एकल महिला है, तो वो लोग जरूर पेंशन का लाभ लें। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑन द स्पॉट ही कर दे रहे हैं। आज हम लोग को एक एकल महिला का आवेदन मिला है जो अकेली है, 45 वर्ष से ज़्यादा है, न पति है न बेटा है, तो उनको हम लोगों ने आज सेंक्शन कर दिया है, योग लागू थे। उसी तरह मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत जो 50,000 तक का लोन दे रहा है बगैर गारंटर का, अब तक 7 आवेदन प्राप्त हुए हैं। और कृषि विभाग की तरफ से KCC ऋण माफी का लाभ लोग ले रहे हैं। पशुपालन विभाग की तरफ से पशुओं को होने वाली बीमारी का दवा वितरण किया जा रहा है, उनको कैसे रख रखाव करना ये जानकारी दी जा रही है। आंगनवाड़ी की तरफ से पोषण के लिए जानकारी दिया जा रहा है कि कौन सी सब्जी में क्या आपको प्रोटीन विटामिन मिल रहा है, लोग उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। JSLPS की तरफ से आज किसानों के लिए बीज वितरण किया गया है। सप्लाई विभाग से ग्रीन राशन कार्ड का वितरण किया गया था। समाज कल्याण विभाग से ट्राई साइकिल का भी वितरण किया गया है। और इस प्रकार देख रहे हैं कि कार्यक्रम है, काफ़ी लोगों में उत्साह है, लोग आ रहे हैं और पदाधिकारी से बात करके योजना की जानकारी लेकर उसका लाभ ले रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें, लाभ लें और टीका जरूर 2 डोज लगा लें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार, मैं लक्ष्मी और आप देख रहे हैं BNB, और फिर बने रहे BNB से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।